अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये है कि लोगों में ये बात मशहूर है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, इसकी असल क्या है? तो इसका जवाब ये है कि मीठा खाने से पहले हो या दरमियान या बाद में, इसका ताल्लुक उमूर आदिया से है, ना कि सुनन शरईया से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा खाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा और शहद पसंद फरमाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना खाने के बाद मीठा खाने का मामूल हो, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। वहाँ तो महीनों चूल्हा नहीं जलता था, दो वक्त लगातार कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी दस्तियाब नहीं हुई। जब जो चीज़ मैसर हुई आप नोश फरमा लेते। अलबत्ता एक मौके पर खाने के बाद मीठी चीज़ खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत आइकरास बिन ज़ुएब रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना के आखिर में खजूर तनावुल फरमाई, जिससे मालूम होता है कि खाने के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीठी चीज़ खाई है। लेकिन एक आधा मर्तबा खाने के बाद मीठी चीज़ तनावुल फरमाने की बिना पर खाने के बाद मीठे को सुन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये एक इत्तिफाकी वाकिया है, इसलिए इसे सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह मीठा किसी को खाने में मैसर हो जाए और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की नियत से खा ले, तो इंशाअल्लाह उसे अज्र व सवाब भी मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।